हाय मदर एंड चलकर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि डिलीवरी के पेन को कम कैसे किया जाए, लेबर पेन को कम करने के उपाय। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी है कि अपने आप को मेंटली तैयार करना डिलीवरी के पेन को लेकर। ये सोची कि पहले जमाने में लेडीज बच्चे को जन्म देती थी और उस समय तो कोई सीजेरियन डिलीवरी भी नहीं हुआ करती थी और हॉस्पिटल में भी इतनी कोई फैसिलिटीज नहीं होती थी, तो अगर वो लोग जन्म दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और एक मैंने कहीं पढ़ा था, अगर हम नेगेटिव फील कर रहे हो, हमें कोई चीज को लेकर डर लग रहा, तो हमें हमेशा अपने से कम से तुलना करनी चाहिए, अपने से वीक से तुलना करनी चाहिए। आप ये सोचिए कि जो लेडीज फिजिकली काफी कमजोर हैं और जिनको प्रेगनेंसी में भी इतनी केयर नहीं मिली, जिन आज भी कुछ फैमिलीज हैं जिनमें इतना केयर नहीं मिल पाता है, इतना खाने पीने को नहीं मिल पाता प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो लोग अगर डिलीवरी के पेन को सहन कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो नारी एक ऐसी शक्ति है जो अगर सोच ले तो वो दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ सकती है। तो सबसे जरूरी है कि आप अपने आप को मेंटली तैयार रखिए। तो आप अगर मेंटली तैयार होंगे तो आपको दर्द बिल्कुल कम महसूस होगा। अब कुछ टिप्स हैं जिसे आप फॉलो करके जो पेन है उसको काफी हद तक कम कर सकते हैं। कुछ पोजीशंस पर डिपेंड करता है जिससे आपका पेन कम हो जाएगा। तो सेकंड टिप है कि आपका पेन है इस हद तक डिपेंड करता है कि आप जो है पोजिशन क्या है आपकी लेबर पेन के दौरान। अगर जब पेन आ रहे हैं, आप वॉक कर रहे हो, आप टहल रहे हो, खड़े हो, तो उससे आपकी डिलीवरी में कम समय लगता है और आपको दर्द भी थोड़ा कम महसूस होता है। क्योंकि जब हम खड़े होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से बच्चा नीचे की साइड जल्दी आता है और कम समय लगता है डिलीवरी में। फिर है कि अगर जो लोग टहल नहीं सकते या फिर खड़े भी नहीं हो सकते, तो आप जब लेटे हो कमर के बल तो कमर के नीचे तकिया लगा लीजिए। क्योंकि अगर हम पीठ के बल लगातार लेटे रहते हैं तो उससे जो है ब्लड सर्कुलेशन लिमिटेड हो जाता है, बच्चे को ब्लड सर्कुलेशन लिमिटेड मात्रा में मिलता है। तो आप तकिया लगा लोगे तो थोड़ा सा बैठे वाली पोजिशन में आ जाओगे, तो इससे भी डिलीवरी में कम समय लगेगा। थर्ड है कि आपका लेबर पेन काफी हद तक इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जब आपको पेन आ रहे हैं तब आप सांस किस प्रकार से ले रही हैं। जब आपको पेन आ रहे हो उस टाइम अगर सांस को आप ऊपर की साइड लेते हैं तो इससे आपको दर्द ज्यादा महसूस होता है और आपका बच्चा भी ज्यादा देर लगाएगा जन्म होने में। तो इसलिए जब भी आपको कॉन्ट्रैक्शन आए, जब भी आपको संकुचन आए, तो उस समय आप नीचे की साइड सांस छोड़िए और नीचे की साइड पुश कीजिए। इससे आपको जो है दर्द भी कम महसूस होगा और बच्चे का जन्म भी जल्दी होता है। नेक्स्ट है कि कमर की मालिश करवाना, ये भी काफी हेल्प करता है आपके दर्द को कम करने में। तो जब भी आपको दर्द है, आप किसी फैमिली मेंबर, पति, मम्मी, मदर इन लॉ कोई भी आपके साथ में है, तो उससे आप कमर की मालिश करवा सकती हैं। तो इससे क्या है कि अच्छा महसूस होने वाले हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपको दर्द में काफी आराम देगा, आप काफी अच्छा रिलीफ महसूस करेंगी। तो इसलिए आप कमर का मालिश करवा सकते हैं। नेक्स्ट है कि डॉक्टर का सही चुनाव करना। देखिए ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सही डॉक्टर का चुनाव करोगे तो वो आपके मनोबल को बढ़ाते हैं, आपको कोऑपरेट करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं कि आपको किस प्रकार से पुश करना है, आपको सही जानकारी देते हैं। कुछ डॉक्टर आज भी ऐसे हैं जो आप कुछ भी पूछते हैं तो उसमें कुछ बताएंगे भी नहीं, इवन गुस्सा हो जाते हैं कि आपको ये भी नहीं पता। तो आप सही डॉक्टर का चुनाव जरूर करें, ये भी आपके मनोबल को बढ़ाने में हेल्प करता है। आपका मनोबल अच्छा रहेगा तो आपको दर्द भी थोड़ा सा कम महसूस होता है, आप अच्छा महसूस करती हैं कुल मिलाकर। नेक्स्ट उपाय है कि लेबर की सही जानकारी होना। देखिए अगर आपको लेबर से रिलेटेड सही जानकारी पहले से ही होगी तो आपको पता होगा कि आपके साथ क्या होगा, कैसे होने वाला है, तो आप अनावश्यक रूप से घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। तो इसलिए डिलीवरी से पहले ही पूरी जानकारी ले लें, डिलीवरी से रिलेटेड, बच्चे के जन्म से रिलेटेड, तो आप डरेंगे नहीं, आपको मेंटली पहले से ही प्रिपेयर हो जाएंगे उस चीज के लिए। तो ये भी आपके लेबर पेन को सहन करने में काफी मदद करता है। तो देखिए लास्ट में मैं यही कहूंगी कि आप डरे नहीं, घबराए नहीं, पॉजिटिव रहिए, आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।